हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 26 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में दोस्तों 26 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा इन्हें भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही हम यहाँ पे रोज की तरह बात करेंगे आज के डेली जीके तड़का डोज 63 की। यहाँ पे हम दोस्तों ये जो डेली जीके तड़का डोज है यहाँ पे हम ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन को भी देखना ना भूलिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बने हैं दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन। तो दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की तो संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पे अगर एक्चुअल में हम बात करें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना है वह कब की गई थी तो 17 मई 1993 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री है वो कौन है तो यह मुख्तार अब्बास नकवी है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन वन, इकबाल सिंह लालपुरा। और अब चलते हैं दोस्तों जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की ओर। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया रूस ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के दोस्तों रूप में किसे नियुक्त किया है। यह नियुक्त किया है शांति सेठी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची में दोस्तों कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। शीर्ष पर रहने वाला है दोस्तों साइरस पूनावाला। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों यहाँ मनाया गया है 21 अप्रैल को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन फोर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यह बन गया है तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिना रुकावट डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों यह राज्य बन गया है राजस्थान। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं। दोस्तों यह बने हैं अजय कुमार सूद। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और वह किस टीम से अपना संबंध रखते हैं। दोस्तों इनका जो संबंध है वो है वेस्ट इंडीज से। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आपको हमारे मोबाइल नंबर 7566836900 पर ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। आप दोस्तों पेमेंट कर दोगे उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी टीम जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले। इसकी जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे हम दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव इसे हम यहाँ पे शेयर करते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम डेली क्यूजेस करते हैं। यदि आपने अभी तक क्यूजेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उन्हें भी पार्टिसिपेट जरूर करें। और अब शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किन दो भारतीय खिलाड़ियों को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के लिए चुना गया है। दोस्तों यह चुना है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, उपयुक्त 2 और 3 दोनों। तो दोस्तों विजडन क्रिकेट अल्कमेन ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दोस्तों 2022 के लिए
5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। इस लिस्ट में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ कि 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अन्य 3 खिलाड़ियों की अगर यहाँ पे हम बात करें तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है दोस्तों डेवन कॉनवे, और साथ ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है ओली रॉबिन्सन, और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार है दोस्तों डेन वेन निरकेरके को शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों ये जो सैन्य अभियान है इसके नए महानिदेशक बन गए हैं मनोज कुमार कटियार। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों याद रखना है कि ये जो DGMO मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है इसके जो महानिदेशक है दोस्तों वो किसे बनाया गया है, तो मनोज कुमार कटियार को। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो हर वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस दोस्तों इसके रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियां जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण आदि के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात करें वर्ष 2022 की थीम की, तो यह है दोस्तों हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यह इस वर्ष की थीम है। तो आपको क्या याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 22 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली के नए मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं। यह बने हैं दोस्तों नरेश कुमार। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव बन गए हैं, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो विजय देव का स्थान इन्होंने लिया है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली की, जिसका राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय पक्षी की बात करें तो दोस्तों यह घरेलू गोरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, और उपराज्यपाल दोस्तों अनिल बेजल है। बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह अरविंद केजरीवाल है। साथ ही दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है धीरू भाई नारायण भाई पटेल है। और साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली की जो पहली महिला शासिका थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम दोस्तों रजिया सुल्तान था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1, नरेश कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों यहाँ मनाया गया है 23 अप्रैल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस का जो आयोजन है वह संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पढ़ने प्रकाशन और लेखन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस का 26वां संस्करण मनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 मनाया गया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं वो बने हैं सुमन के बेरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। सुमन के बेरी ने दोस्तों राजीव कुमार का स्थान लिया है। नीति आयोग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या दोस्तों नीति का फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है, और अध्यक्ष कौन है, तो यह नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ ही दोस्तों इसके उपाध्यक्ष बन गए सुमन के बेरी, और CEO कौन है, तो यह अमिताभ कांत है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है नीति आयोग से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे सुमन के बेरी को दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों यह जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है यह प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को दोस्तों राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था,
और साथ ही दोस्तों इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तरकाडोस 63 की। यहाँ पे हम दोस्तों ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि हम बात करें एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, और यहीं पे हम दोस्तों बात करें रेलवे के जो ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है, इसके लिए भी हेल्प करेगा। एमपी पुलिस हो गया, पटवारी हो गया और एमपीएसआई, ऐसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले डेली जीके तड़का डोज की, डोज नंबर 1 की। तो क्वेश्चन है कि कारकोट राजवंश का जो संबंध है वह किसके इतिहास से था। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वह कश्मीर के इतिहास से था। तो आपको याद रखना है कि कारकोट राजवंश का संबंध किस इतिहास से है, तो कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार में 1857 कई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किया था दोस्तों वीर कुंवर सिंह ने, याद रखना किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था, तो दोस्तों यह 2005 में लाया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया फैलने वाले रोगाणु मतलब प्लाज्मोडियम की जो खोज है वह किसने की थी, तो यह की थी दोस्तों लेवरेन ने, याद रखना किसने की थी, लेवरेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी, इसे बनाया गया है दोस्तों औरंगजेब द्वारा, याद रखना किसके द्वारा, तो औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी सतह की जो सबसे ऊपरी परत है इसको क्या कहा जाता है, दोस्तों इसे हिंदी में भूप्रपटी कहते हैं, मतलब क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है, इसे जोड़ता है दोस्तों जिब्राल्टर, इसे जोड़ते हैं दोस्तों जिब्राल्टर जलडमरो, याद रखना जिब्राल्टर, इसे जोड़ते हैं दोस्तों जिब्राल्टर जलडमरू, याद रखना कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य इसे जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फीफा की जो स्थापना है वह कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, दोस्तों ये जो फीफा है इसकी स्थापना 1904 में पेरिस फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है, दोस्तों इसे तय किया जाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि घाघरा और सोन किसकी सहायक नदी है, यह सहायक नदी है गंगा की। अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों यह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह स्थित है माउंट आबू राजस्थान में, याद रखना कहाँ पर, तो माउंट आबू राजस्थान में। तो दोस्तों आज के डेली जीके तरकाडोस में इतना ही, और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि किस राज्य सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है जो भी राज्य इसका करेक्ट आंसर है वहाँ पे उसकी राजधानी क्या है, वहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।